जनरल साहब को मिल रहा है जनता जनार्दन का। आज तो साक्षात भगवान इंद्र देवता ने भी बूंदों के रूप में पुष्प वर्षा कर दी है। और ये जो खुशनुमा माहौल अभी आप देख रहे हो, ये खुशनुमा माहौल आदरणीय गुंजल साहब के 4 तारीख 4 जून को जीतने के बाद पूरे कोटा बूंदी में होने वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सारी बात आपको आदरणीय गुंजल साहब कहेंगे। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि कल आदरणीय गुंजल साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील डाली थी। उन्होंने अपील की थी कि कोटा बूंदी में टोटल 21 लाख मतदाता हैं, 8 विधानसभा हैं, 2000 से ज्यादा बूथ है, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं हर मतदाता के घर तक जाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने कम समय में सब जगह आदरणीय गुंजल साहब जा पाएंगे। ऐसे में हम सबको जो इस प्रांगण में बैठे हैं, हम सबको आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी की भूमिका में आना पड़ेगा। हम सबको प्रहलाद गुंजल बनकर घर घर चाय की थड़ियों पे, दुकानों पे, जहां भी हम बैठेंगे आज से, जहां भी हमारी चर्चा होगी, हम सब आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब के गारंटर बनकर, उनके भाई बनकर, भतीजे बनकर, रिश्तेदार बनकर आदरणीय गुंजल साहब के लिए मतदान के लिए आप जनता का आशीर्वाद मांगेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे। और अगर आप सब जनता ने चाह लिया, जिस तरह से जनता का हुजूम उमड़ रहा है, तो ये पक्का मान लो कि 4 जून को आपका ये लाडला बेटा, ये आपका लाडला बेटा 4 जून को कोटा की